रक्षा मंत्री राजनाथ जी का जन्मभूमि भी यही है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत उपजाऊ जमीन है भाई, फिर से एक बार चंदौली की भूमि के लिए जोर से ताली बजाकर स्वागत करिए जरा। चंदौली वालों, देश में 6 चरण का चुनाव हो चुका है, मेरे पास 5 चरण का परिणाम है, जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो सुन लो, 5 चरण में मोदी जी 310 सीट जीतकर सरकार बना चुके हैं, और ये 6ठे और 7वें ने 400 पार कराना है। 400 पार भी कराना है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनाना। तो चंदौली वालों, बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे भाई? कैसे बनाओगे? यहां तो हमारे पंडित जी खड़े, पांडे जी खड़े, मोदी जी तो काशी से खड़े। मैं बताऊं रास्ता? देखो, महेंद्रनाथ पांडे के सामने कमल का निशान है, एक कमल के निशान पर बटन दबाते ही पांडे जी को दिया हुआ वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। भाइयों बहनों, आज मैं कुछ सीधे सवाल करने आया हूं। चंदौली वालों बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये राहुल बाबा और कंपनी हमें डराती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को न मांगिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है, एटम बम। अरे राहुल बाबा, आप इस देश को नहीं जानते हो, ना चंदौली वाले डरते हैं, ना भाजपा वाले एटम बम से डरते हैं। भाइयों बहनों, मैं चंदौली की पवित्र भूमि पर कहकर जाता हूं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको लेकर रहेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ये थे जिन्होंने धारा 370 को समाप्त कर दिया। ये राहुल बाबा उस वक्त भी संसद में मुझे डराते थे, कहते थे 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया, और भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। ये कांग्रेस की सरकार थी, अखिलेश बाबू का समर्थन था, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके कर चले जाते, कोई जवाब देने वाला नहीं, किसी की हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी आए, फिर से उरी और पुलवामा में हिमाकत किए, 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, देश भर की जनता नरेंद्र मोदी जी को चुनने के लिए तैयार बैठी। 4 तारीख को
परिणाम आने वाला है। मोदी जी 400 पार करने वाले हैं और मैं एक और भविष्यवाणी कर जाता हूं, 4 तारीख को 2 बजे राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो कहेंगे हम चुनाव ईवीएम के कारण हारे हैं, ईवीएम के कारण। अरे राहुल बाबा नाचना न आए आंगन टेढ़ा, भैया ईवीएम नहीं हराएगा आपको, ये मेरे चंदोली के शेर हराने वाले हैं, शेर हराने वाले। भाइयों बहनों, किस किस के बीच में लड़ाई, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले, एक गमंडिया गठबंधन कांग्रेस समाजवादी पार्टी, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है, ऐसे हमारा नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है।